हेलो एवरीबॉडी, मुझे उम्मीद है वो सारे बच्चे जो मेरे साथ अपनी क्लास ट्वेल्थ की जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं वो इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम लोग क्लास ट्वेल्थ को शुरू करने वाले हैं, तो क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। ये मैं पहले भी काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है माना जाता है। एक्चुअली में ये फिज़िकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जेई और नीट एग्जाम्स की बात करें, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से जो है पूछा जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये एक छोटा ही चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जो हमें समझनी है। इस चैप्टर में जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी मैं आप लोगों को उन सारे बारीकियों से रूबरू कराऊंगी। वो ऐसी बारीकियां हैं जो हमेशा एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन बन के रह जाती है और मोस्ट ऑफ द टीचर्स इस छोटी बारीकियों को बच्चों को समझा नहीं पाते हैं और जिस वजह से बच्चे जो है सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करने से जो है बहुत डरते हैं, उन्हें समझ नहीं आता न्यूमेरिकल हमें शुरू कैसे करना। ठीक, तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपने जो है मेन टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इंट्रोड्यूस करा दूं कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक सिंपल सा टर्म जो हमने यहाँ लिखी गई है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। सॉल्यूशन बेसिकली एक तरीके से देखा जाए बच्चे तो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स का जो मिक्सचर होता है और वो मिक्सचर अगर होमोजीनियस है तो बच्चे इस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन का नाम दे सकते हैं। इस सॉल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट्स हमारे पास होते हैं बेटा, एक जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और एक जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट, है ना। हालांकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन जो है हम लोग हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि सॉल्यूट हमेशा वो होता है बेटा जो लेस कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट बेटा हमेशा वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है ना। यही हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट इज समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, है ना। ये बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये डेफिनेशन कि सॉल्यूट कम मात्रा वाला होना चाहिए और सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा का होना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम स्टेट के या फिर सेम फेज के हों। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ये बोल सकती हूं कि इफ कॉम्पोनेंट्स विच आई एम मिक्सिंग, कॉम्पोनेंट्स विच आई एम मिक्सिंग आर ऑफ सेम स्टेट, स्टेट या फिर आप उसे फेज बोल लीजिए बच्चे। इसका मतलब क्या है, देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कॉम्पोनेंट्स को मिक्स करते हैं ना, और वो मिक्सचर जो है होमोजीनियस बनना चाहिए। तो हम जिन कॉम्पोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं वो सारे एक ही स्टेट के, या तो सारे ही सॉलिड हैं या तो सारे ही गैस हैं या फिर सारे ही लिक्विड हैं, ये सारे सेम स्टेट ऑफ मैटर के हैं। तो उस केस में इन दैट केस सॉल्यूट हमारा वो होता है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट बच्चे हमारा वो होता है जो कि मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। बात क्लियर हो रही है। ये सिर्फ तब है जब मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट या फिर मैं बोलूँ जो कॉम्पोनेंट्स में मिक्स कर रही हूँ वो सेम स्टेट के हैं। अगर ऐसा होता है कि हम जो कॉम्पोनेंट्स मिक्स कर रहे हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, केस टू हम लोग ले लेते हैं, कॉम्पोनेंट्स मिक्स आर ऑफ डिफरेंट स्टेट, कॉम्पोनेंट्स मिक्सड आर ऑफ डिफरेंट स्टेट, तो इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन कभी भी बच्चे अमाउंट से नहीं दी जाती, हम इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट बात करते हैं। हम ये कहते हैं सॉल्वेंट इज द वन हैविंग सेम फाइनल स्टेट एज सॉल्यूशन। That means, जरा एक एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझाऊंगी बच्चे। केस टू का एग्जाम्पल है, मैंने शुगर को मिक्स करा वाटर में, ठीक है, और मेरा है जो है शुगर सॉल्यूशन बन गया है ना बेटा। जो शुगर सॉल्यूशन होगा बेटा अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो वो लिक्विड स्टेट का होगा, हाँ या ना। शुगर खुद सॉलिड होती है और वाटर खुद लिक्विड होता है। तो अब इस केस
केस में जब मैं चीनी को पानी में डालती हूँ तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि चीनी जो है, मतलब हमेशा बाय डिफॉल्ट हम यही मान लेते हैं ना कि हमारा जो चीनी है या शुगर है वो हमारा सोल्यूट है और वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट होगा। वैसे अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन बनाऊँ तो मैं यही अज्यूम करूंगी सॉल्ट इज माय सोल्यूट एंड वाटर इज माय सॉल्वेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैं दो कंपोनेंट्स मिक्स कर रही हूँ बच्चे, वो दोनों कंपोनेंट्स डिफरेंट अमाउंट के हैं, डिफरेंट स्टेट के हैं बेसिकली। तो जो हमने दो कंपोनेंट्स मिक्स करे हैं वो डिफरेंट स्टेट के। अब डिफरेंट स्टेट के होने के बाद जब वो मिक्स करके सोल्यूशन बनाए, हम सोल्यूशन का स्टेट देखेंगे। फाइनल सोल्यूशन जो भी स्टेट रख रहा है तो सॉल्वेंट वही होगा जिसकी उसके साथ सेम स्टेट होगी। मतलब अगर फाइनल सोल्यूशन मेरा लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड होता है तो वाटर को मैं क्या बोलूंगी बेटा? सॉल्वेंट। इस केस में मैं कभी भी अमाउंट की बात नहीं करूंगी। अच्छा, आप अमाउंट का मतलब समझते हैं? अमाउंट को एक्चुअली हम लोग जो है ना बेटा रिलेट करते हैं मोल्स से, और मोल्स बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना। और आपको ये पता है कि मोलर मास किसी भी जो अमाउंट होता है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। मोलर मास जैसे शुगर का है वो उसका फिक्स रहेगा। शुगर का फॉर्मूला में पता है C12H22O11, उसका मोलर मास जो है 342 वो फिक्स है। अब मोल ज्यादा होंगे कम होंगे वो हालांकि एक्चुअली डिपेंड करता है कि मास बाय मोलर मास का रेशियो क्या है। और यहां पर अगर मैं वाटर के मोल्स लूंगी तो वाटर के मोल जो है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि वाटर जो है W अपॉन उसका मोलर मास 18 होता है। सॉरी, आप समझ रहे मेरी बात? तो ये चीज को आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग जब दो डिफरेंट स्टेट की चीजें मिक्स करते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट दी जाती है। सोल्यूट और सॉल्वेंट डिफाइन किया जाता है कि फाइनल स्टेट जो है वो जिससे सिमिलर होगी वही चीज मेरी सॉल्वेंट बन जाएगी, एंड ऑब्वियसली दूसरी चीज मेरी क्या बन जाएगी बेटा? सोल्यूट बन जाएगी, है ना। जबकि जब मैं दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रही हूँ और वो दो कंपोनेंट्स सेम स्टेट के हैं, तब उस टाइम पे क्योंकि जो अब आप सेम स्टेट का मिक्स करोगे तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो भी सेम स्टेट का होगा। लेट्स से मैंने अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया और अल्कोहल भी लिक्विड है बेटा, वाटर भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स करोगे तो सोल्यूशन भी तो लिक्विड ही बनेगा, है ना। उस केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट क्योंकि स्टेट के बेसिस पे अलग अलग नहीं किए जा सकते तो हम लोग कहते हैं कि हम अमाउंट के बेसिस पे सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश करेंगे। बात क्लियर हुई? तो यहां तक तो हमने एक ब्रीफ से डिस्कशन करी कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूशन क्या है। अब जैसे आपने हेडिंग लिखी यहां लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन बेसिकली इस चैप्टर का अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं बेटा, तो हम इस चैप्टर में बात एक्चुअली करेंगे सोल्यूशन की। और सोल्यूशन बेटा तीन तरीके के हो सकते हैं मेरे पास। एक सोल्यूशन हो सकता है सॉलिड सोल्यूशन, एक बेटा हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन जिसकी मुझे ऑफ कोर्स बात करनी है, और एक बच्चे मेरे पास हो सकता है गैस सॉल्यूशन। तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं मेरे पास, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन में फर्क क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा हमारा सॉल्विड होता है, फिक्स हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन में ये फिक्स हो गया हमारा कि हमारा जो है सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा, ये फिक्स हो गया। और गैस सॉल्यूशन में बेटा ये फिक्स हो गया कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस होगा। तो ये तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते नहीं बेटा सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, आप जब बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, इन तीनों केसेस में सॉल्वेंट आपने क्या रख दिया? सॉलिड। तो ये तीनों केसेस एक्चुअली सॉलिड सॉल्यूशन के आते हैं, है ना। फिर आप बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इन तीनों केसेस में आपका सॉल्वेंट आपने क्या फिक्स करा? लिक्विड। वो लिक्विड सॉल्यूशन के केस आते हैं। और गैस सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस, तो वो आपका गैस सॉल्यूशन बनता है। ये हाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब मुझे इस चैप्टर में ना ही सॉलिड सॉल्यूशन देखना है ना ही गैस सॉल्यूशन देखना है, मुझे बात करनी है सिर्फ किसके? लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन को मैं तीन तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा कि बोल सकती हूँ, कैसे मैं बोल सकती हूँ लिक्विड सॉल्यूशन को फर्दर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, है ना बेटा, यही हम लोगों ने डिस्कस करा। तो ये जो तीन पार्ट है लिक्विड सॉल्यूशन के, ये तीनों ही पार्ट मुझे एक्चुअली इस चैप्टर में डील करने हैं। इस चैप्टर में मैं गैस इन लिक्विड को भी डील करूंगी, लिक्विड इन लिक्विड को भी डील करूंगी और सॉलिड इन लिक्विड को भी डील करूंगी, ठीक। मैं ना ही सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूंगी और ना ही गैस सॉल्यूशन की बात करूंगी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको ये जरूर समझ आ गया कि मैं चैप्टर में पढ़ने क्या वाला हूं। मैं चैप्टर में पढ़ूंगी गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, तीनों को अलग अलग करके हम लोग जो है स्टडी करेंगे। आज
का जो हमारा मेजर टॉपिक रिवॉल्व करेगा वो रिवॉल्व करेगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर हम लोग सीधा पहुंचेंगे गैस इन लिक्विड, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर डील करेगा लिक्विड इन लिक्विड जो कि एक्चुअली में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और फिर थर्ड पार्ट जो डील करेगा वो डील करेगा सॉलिड इन लिक्विड जो कि एक्चुअली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों पार्ट में से सबसे छोटा और जो इजिएस्ट पार्ट है वो है गैस इन लिक्विड जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड के हम सब्सिक्वेंट आने वाले लेक्चर्स में जो है डिस्कस करने वाले। बात क्लियर होती है? चलिए हम लोग पहले से एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, एक ओवरव्यू और थोड़ा सा ले लेते हैं और फिर हम लोग सीधा लेके चलते हैं गैस इन लिक्विड की तरफ। यहां तक बात सबको क्लियर है? राइट। तो अब ओवरव्यू हमें किस चीज का लेना है ये जरा हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है बेटा, बिफोर वी गेट इनटू दीज सॉल्यूशंस इन डिटेल हमें जो ब्रीफ डिस्कशन करना है वो इस चीज का करना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू बेटा कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो पहले इसी को डिस्कस करते हैं। देखिए एक सिंपल सी मैं बात यहां करने वाली हूं सॉल्युबिलिटी की। आप आम भाषा में लेमैन लैंग्वेज में बच्चे सॉल्युबिलिटी को कैसे समझेंगे? लेट्स से मैंने ए को बी में डिसॉल्व किया, मुझे चेक करना है कि कितना ए बी में डिसॉल्व हुआ है ना। तो मैं कैसे चेक करती हूँ, दिस इज व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब यही तो है ना कि अगर मैं ए को बी में डिसॉल्व कर रही हूं तो कितना ए बी में डिसॉल्व हुआ है, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं समझूं, लेट से मेरा ए सॉल्यूट है और बी मेरा सॉल्वेंट है, मैंने ए को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, मुझे ए की सॉल्युबिलिटी को चेक करना है, तो एक्चुअली मैं ये चेक कर सकती हूं ना कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बना है जिसमें मैंने डिसॉल्व किया उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें बेटा, जैसे आप लोग 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसमें डिस्कस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, है ना, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने भी जब हम 11th का रिविजन कर रहे थे या फिर 11th क्लास स्टडी कर रहे थे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। जो बच्चे इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लेक्चर को मेरा देख चुके हैं उनको तो बात समझ आ रही है कि मैं एक्चुअली में क्या बोलने वाली, और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाले वीडियो को एक बार ध्यान से अच्छे से देखेगा क्योंकि ये 11th का पोर्शन पूरा पूरा जो है 12th में जुड़ा हुआ है। राइट क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन पहले कर दिया है तो अभी मैं थोड़ा एक ब्रीफ लूंगी और उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डायरेक्ट सॉल्यूशन से रिलेट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है तो जैसे मैं आपको ये बोल रही हूं कि सॉल्युबिलिटी को आप लोग डिफाइन बेसिकली कैसे कर सकते हैं, आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं जैसे आपने ए को बी में मिलाया, आपने ए को बोला दिस इज माई सॉल्यूट बच्चे और आपने बी को बोला दिस इज माई सॉल्वेंट। तो इन लेमैन लैंग्वेज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इज एक्चुअली डिफाइंड एज ऑफ ए इज एक्चुअली डिफाइंड एज मास या फिर आप स्पेसिफिक टर्म यूज करें अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बी। जरा इस डेफिनेशन को बड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, मैंने लिखा है कि सॉल्युबिलिटी को मैं डिफाइन करूंगी कि कितना ए या अमाउंट ऑफ ए, कितना अमाउंट ए का प्रेजेंट है किसी अमाउंट बी में, है ना। मतलब आप ये देख रहे हो यहां पे मैंने ना फिक्स नहीं करा है, कभी कभी हम अमाउंट ऑफ वी को वॉल्यूम ऑफ बी भी ले सकते हैं और यहाँ मास ऑफ ए भी ले सकते हैं, हम इसे मोल्स ऑफ ए इन मोल्स ऑफ बी भी ले सकते हैं, मोल्स ऑफ ए इन वॉल्यूम ऑफ बी भी ले सकते हैं, हम किसी भी टर्म्स में सॉल्युबिलिटी को बच्चे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक लेमैन और जनरल लिखा है कि कितना अमाउंट ए का किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट बी में प्रेजेंट है। मैंने ये भी डिफाइन नहीं किया कि अमाउंट ऑफ बी किस फॉर्म में मैं लूंगी, मैं वॉल्यूम के फॉर्म में अमाउंट ऑफ बी लूंगी, मोल्स के फॉर्म में अमाउंट ऑफ बी लूंगी, मास के फॉर्म में अमाउंट ऑफ बी लूंगी, ना ही मैंने ये डिफाइन किया कि मैं ए का अमाउंट किस फॉर्म में लूंगी, मास के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में, किस
टर्म्स में मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैंने एक जनरल चीज लिखी है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आप सॉल्युबिलिटी किसी भी टर्म में डिफाइन कर सकते हो, आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्म में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। चाहे तो आप इस सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, या फिर आप इस सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो बेटा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास, W बाय W, या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम, W बाय V, या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V बाय V। आप किसी भी टर्म में इनमें से सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी के लिए बच्चे फिक्स नहीं है कि हमेशा मोलारिटी ही सॉल्युबिलिटी होती है, या मोलालिटी ही सॉल्युबिलिटी होती है, या मोल फ्रैक्शन ही सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के सेंस में एक्सप्लेन की जा सकती है। अब ये केस टू केस जो है डिपेंड करेगा कि मैंने इस पर्टिकुलर केस में सॉल्युबिलिटी को किसके प्रोपोर्शनल रखा है। ठीक है, अब ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैं बहुत डिटेल में, इनका इंटर रिलेशन बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूं। जिन्होंने नहीं देखा घबराइए नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी वीडियो का, आप देख लीजिएगा। और जो लोग ने पहले से मेरे साथ चल रहे हैं और उन्होंने वीडियो अच्छे से, मेरा क्लास भी अटेंड किया था और वीडियो भी अच्छे से देखा है, तो वो लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे आई एम श्योर। तो एक बार मैं इन सब का डेफिनेशन को जरा दोहरा देती हूँ, बस डेफिनेशन। मोलारिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो है कंसीडर करते हैं मोलारिटी को। तो मोलारिटी को कैपिटल एम को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड करी है वो इस चीज को समझ रहे हैं कि मैं कभी भी फॉर्मूला वाइज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को नहीं चाहती कि आप फॉर्मूला याद करें। मैं चाहती हूं कि आप उसका मतलब समझे। आप जिस दिन उसका मतलब समझ गए, आप बहुत आराम से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को किसी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो है चेंज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मोलालिटी की तरफ। मोलालिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहां पे हम पर केजी ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट में ले रहे हैं, यहां हम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ले रहे हैं, है ना। तो यहां पे मैं लिख सकती हूं मोलालिटी को मैं डिफाइन कर रही हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा, और वो भी किस में बच्चे केजी में। बात क्लियर हो गई सबको, चलिए शाबाश आगे चलते हैं। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। मोल फ्रैक्शन तो सबको पता है, जैसे मोल फ्रैक्शन अगर आप सॉल्यूट का ले रहे हैं तो वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यही होता है। सिमिलरली अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ले रहे हैं तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन चाहे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर ऐड कर दे बच्चे तो वो 1 के बराबर हो जाता है ना। सिमिलरली परसेंटेज बाय मास को हम लोग डिफाइन करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्योंकि परसेंटेज है हमेशा, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जो है इसे लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इन सारे केसेस में सॉल्यूट का अमाउंट अलग अलग चीजों से डिफाइन किया गया है, सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट अलग अलग डिफाइंड है। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट केजी ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पे मोल्स ही सॉल्यूट के और मोल्स ही सॉल्यूशन के है बच्चे, या मास है सॉल्यूट का, मास सॉल्यूशन का है। आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व है या कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, आप वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्युबिलिटी को जो है पॉइंट आउट कर रही है ना। तो इसमें आप देखिए परसेंटेज का वैल्यू लिख सकते हैं, मास लिख दीजिए सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मास लिख दीजिए सॉल्यूट या सॉल्यूशन का मास लिख दीजिए और इनको 100 कर दीजिए मल्टीप्लाई, है ना। यहां पे देखिए डब्ल्यू बाय वी है, इसमें आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml। देखिए ध्यान से, यहां पे वॉल्यूम ml में है, यहां पे लीटर में है,
हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन की गई है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब समझना जो है बच्चे बहुत जरूरी हो जाए। तो यहां परसेंटेज को डिफाइन किया जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल्स और इनटू 100, और यहां हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 एमएल ऑफ सोल्यूशन को, ठीक है। और परसेंटेज को हम लिखते हैं वी ऑफ सोल्यूट बाय वी ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। बोलिए बात क्लियर हुई? तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ये हम इस चैप्टर में यूज करेंगे टू डिफाइन सॉल्युबिलिटी। लेकिन देखिए अभी आपको लग रहा है मैंने सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख दिया, लेकिन नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी मिसिंग है, और वो है बच्चे नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमें जो है इस पूरे चैप्टर में जो है इस्तेमाल करनी है। नॉर्मैलिटी को भी हम सोल्यूट की का अमाउंट से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि मैं सॉल्युबिलिटी से भी रिलेट कर सकती हूँ नॉर्मैलिटी को। बोले क्लियर हो रहा है बात? तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक बार आप नोट कर लीजिए, और फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म और जो हमारी रह गई है जो एक्चुअली में इन सबके बराबर है वो है नॉर्मैलिटी, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं नॉर्मैलिटी की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मैलिटी। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर मतलब समझेंगे एक एक चीज का। नॉर्मैलिटी को बच्चे कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नाउ मोलैरिटी को आप लोग बच्चे डिफाइन कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मैलिटी को आप लोग डिफाइन कर रहे हैं एज ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। द पॉइंट इज ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, है ना? ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंस को समझते हैं पहले। देखिए ग्राम इक्विवेलेंस को समझने के बच्चे बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। ग्राम इक्विवेलेंस क्या है? जैसे अगर सपोज एक सिंपल सी मैं एनालॉगी यहां लेना चाह रही हूं। देखिए आप मोलारिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के वॉल्यूम सोल्यूशन का, वो भी लीटर्स में, है ना? सिमिलर लाइन में आप नॉर्मैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ना लेके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का लीटर्स में। आप समझे, एकदम सेम है, बस मोल्स की जगह आपने किसको लिख दिया है? ग्राम इक्विवेलेंस को, है ना? अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स आप लिखते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, मोलिकुलर वेट। इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, जरा समझे। ग्राम इक्विवेलेंस होता है बेटा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। आप देख रहे हैं फिर से एनालॉगस है, वहां मोल्स इज एनालॉगस टू ग्राम इक्विवेलेंस, यहां मोलर मास इज एनालॉगस टू इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली में क्या है? देखिए इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास से रिलेटेड है, एज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, जिसे मैं बोलती हूँ, कई लोग इसे एक्स फैक्टर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई किताब इसे वैलेंस फैक्टर भी बोलती है, ये वही चीज़ है, एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर, एक्स फैक्टर, आप जो मर्जी बोलिए। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? देखिए एन फैक्टर, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना, ये एन फैक्टर क्या है? इन फैक्टर की क्या वैल्यू होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है, जीरो वैल्यू होती है, इनफिनाइट वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, क्या वैल्यू, क्या क्या होती है इन फैक्टर की? देखिए एन फैक्टर्स, कुछ कुछ चीजें मैं आपको समझा देती हूँ इसमें। एन फैक्टर बेटा कभी भी जीरो नहीं होता, एन फैक्टर बच्चे कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एन फैक्टर फ्रैक्शनल हो सकता है, एन फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, बट एन फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इंफिनिटी। तो फ्रैक्शनल और पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में ये एन फैक्टर मुझे डिफाइन किया, अगर आप जरा थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज को कि अगर मेरा एन फैक्टर 1 होगा बच्चे तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा,
और एन फैक्टर अगर वन ना हो के कोई वैल्यू होता है, लेट्स से टू होता है, थ्री होता है, समथिंग लाइक दिस, तो अगर ये टू हो गया तो इक्वल वेट मोलर मास का हाफ हो जाएगा, थ्री हो गया तो इक्वल वेट मोलर मास बाय थ्री हो जाएगा। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि इक्वलेंट वेट एक्चुअली में कुछ फ्रैक्शन पार्ट है मोलर मास का। हम लोग हमेशा ये अज्यूम करते थे रिएक्शन में कि हमारे जो हैं रिएक्शन में मोल्स जो है बच्चे कांस्टेंट रहते हैं, है ना, ऐसा हम लोग पहले इनिशियली में जो है सोचते थे। अगर अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लेके जाऊँ तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कहता था एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी मतलब डिस्ट्रॉयड, एटम्स रिमेन्स कंजर्व्ड। और इसी से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट था POAC का, कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कि एटम्स को कंजर्व करके हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देते थे, है ना। फिर मास कैन बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी हमें पता है कि किसी भी सिस्टम का मास जो है वो मास को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सेम चीज जो है मोल्स के ऊपर भी लागू होनी चाहिए, मोल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, मोल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एक्चुअली में बच्चे इस चीज में अ लॉट ऑफ चीजें इन्वॉल्व है, ये इतना सिंपल नहीं है कि आप बोल देंगे मोल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, मोल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मोल्स कंजर्व रहते हैं या नहीं रहते, मास कंजर्व रहते, क्या कंजर्व क्या रहता है रिएक्शन में, ये चीज गौर करने की है ना। तो मास कंजर्व रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज जो रिएक्शन में बेटा कंजर्व रहती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंस। एक्चुअली में रिएक्शन में, हर रिएक्शन में मोल्स कंजर्व नहीं रह सकते, एवरी टाइम मोल्स आर नॉट कंजर्व। तो क्यों? क्योंकि हमेशा रिएक्शन उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। आप लोगों ने लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट यही तो बोलता है बार बार कि भाई आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से ही मोल्स यूज होंगे, है ना। सारे मोल जो आपने दे दिए वो सारे के सारे यूज होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं, वो आपका डिपेंड करता है कि स्टोशियोमेट्री क्या है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, उस बेसिस पे मोल जो है आपके इस्तेमाल होते हैं। तो मोल्स कंजर्व रहते नहीं रहते इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमेशा जो चीज कंजर्व रहता है, एक एटम कंजर्व रहता है, एटम क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकते, है ना, मास कंजर्व रहता है। सिमिलरली किसी भी रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंस कंजर्व रहता है, और ग्राम इक्विवेलेंस एक्चुअली में ये लेके इक्विवेलेंट मास को लेके चलते हैं, ना कि मोलर मास को। और इक्विवेलेंट मास होता है कि कितना फ्रैक्शन मोलर मास का रिएक्ट किया, या फिर एक तरीके से मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली ये ग्राम इक्विवेलेंस जो है एक तरीके से मुझे ये बता रहा है कि कितना पार्ट उस मोल्स का रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि आप जरा इधर देखिए, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो मैंने बोला था मैं इधर की तरफ लिख रही हूँ, जो चीज मैंने लिखवाई है आपको, जरा ध्यान से गौर करिएगा। इक्विवेलेंट वेट है मोलर मास बाय एन फैक्टर, है ना बेटा। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के जो आपने लिखे वो है गिवन मास बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो आप बेटा लिख रहे हैं वो है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को मैं लिख रही हूँ मोलर मास बाय एन फैक्टर, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है बेटा, ये मोल्स नहीं बन गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो है वो एक्चुअली में मोल्स इंटू एन फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंस गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास भी होता है, और ग्राम इक्विवेलेंस को मोल्स इनटू एन फैक्टर भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं यहां से, लेट्स से ये हाफ एन फैक्टर का वैल्यू, तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि आधे मोल्स ग्राम इक्विवेलेंस है। तो ग्राम इक्विवेलेंस बेसिकली इस चीज को रिलेट करता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल्स या कितने पार्ट्स ऑफ मोल्स जो है वो एक्चुअली में रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि ग्राम इक्विवेलेंस कंजर्व रहता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कितना पार्ट उस मोल्स का जो है वो कंजर्व रह रहा है। डायरेक्टली मोल्स कंजर्व होंगे नहीं होंगे वो एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि अगर ये एन फैक्टर वन होगा ना तभी मैं बोल सकती हूँ रिएक्शन में मोल्स कंजर्व हुए। अगर रिएक्शन में एन फैक्टर वन नहीं है ना तो मोल्स कंजर्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस कंजर्व रहता है, और ग्राम इक्विवेलेंस हमेशा कंजर्व रहता है, वो एक्चुअली में मोल्स इनटू एन फैक्टर। और सारी चीजें कि मोल्स कंजर्व होगा नहीं होगा वो सब डिपेंड करता है आपका एन फैक्टर क्या। बोलो बात समझ आ रही है, आप एक्चुअली रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को, कि जो मेरा मोल्स आपने देखा होगा कई बार, आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप दोहराते हैं, पास्ट 41 ईयर्स ऑफ IIT JEE फॉर लास्ट ईयर्स ऑफ नीट के एग्जाम्स, आप एडवांस के एग्जाम्स के क्वेश्चन जब देखते हैं ना, तो बेसिक सवालों में ये सवाल जरूर पूछा जाता है, इन अ केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स रिमेन्स कंजर्व, मास, एटम्स, मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंस। तो मोल्स आर नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड, ग्राम इक्विवेलेंस कंजर्व्ड है बेटा, एटम्स कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड है, बट मोल्स हमेशा कंजर्व नहीं रहते हैं, ठीक है। ये यहां से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि एन फैक्टर के ऊपर
जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट हम इसलिए लाए हैं ताकि हम कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर को हमेशा एक केमिकल रिएक्शन में, जो हमेशा कंप्लीट हो रहा है केमिकल रिएक्शन, उसमें कंजर्व कर सके, और मोल्स कंजर्व रहते नहीं है, इसलिए हम ग्राम इक्विवेलेंस लाए। तो ग्राम इक्विवेलेंस बेटा दो तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया आपके सामने, कैसे एक ग्राम इक्विवेलेंस को मैंने डिफाइन करा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। घबराइए मत, इक्विवेलेंट मास क्या है मैं बताऊंगी आप लोगों को, बट ग्राम इक्विवेलेंस को मैंने डिफाइन किया है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास पहला। दूसरा डिफाइन किया ग्राम इक्विवेलेंस को मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना। एन फैक्टर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी इसी को और आगे लेके चलते हैं, यहां तक आप लोगों को बात समझ आई मेरी, है ना। चलिए अब जरा इधर आप इधर आ जाइए, ग्राम इक्विवेलेंस को अब मोलारिटी को लिख रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और आप बेटा नॉर्मैलिटी को लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं ले रहे आप, ग्राम इक्विवेलेंस ले रहे हैं यहां पे, तो आप इसे लिख दीजिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंस को बच्चे हम लोग लिख सकते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप देखिए जरा यहाँ पे नॉर्मैलिटी में ये मोलारिटी वाला टर्म आपको नजर नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो यहाँ से आपको मिला नॉर्मैलिटी इज एक्चुअली मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, इस वजह से मैं नॉर्मैलिटी लेकर आई हूँ, क्योंकि मोलारिटी मोल्स पे डिपेंड करती है और नॉर्मैलिटी जो है ग्राम इक्विवेलेंस पे डिपेंड करती है, और ग्राम इक्विवेलेंस कंजर्व रहते हैं। और नॉर्मैलिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन क्या है, नॉर्मैलिटी इज बेटा मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, बात क्लियर हुई। तो आप देखिए दो तरीके से मैंने ग्राम इक्विवेलेंस को डिफाइन किया, है ना। लेकिन आप देखो तीसरा भी तरीका यहीं पे छुपा हुआ है, यहाँ देखिए अगर इस नॉर्मैलिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगी बच्चे ग्राम इक्विवेलेंस नहीं आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को डिफाइन करने का एक तरीका और है मेरे पास, वो है नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, ये देखिए, है ना, बढ़िया बात। तो आप ग्राम इक्विवेलेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, अब आपको सवाल के हिसाब से चलना है बेटा। ग्राम इक्विवेलेंस को डिफाइन करने के तीन तरीके हैं आपके पास, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम भी ग्राम इक्विवेलेंस होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास भी ग्राम इक्विवेलेंस होता है, और साथ साथ ग्राम इक्विवेलेंस होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन मैं ग्राम इक्विवेलेंस को तीन तरीके से लिख सकती हूँ, या तो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम करके, या तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करके, या फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर करके। इस तीनों चीजें मुझे बता रही है कि ग्राम इक्विवेलेंस क्या है। नॉर्मैलिटी और मोलारिटी का बीच का रिलेशन, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर है बच्चे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, बात क्लियर होती जा रही है। तो ग्राम इक्विवेलेंस क्या है ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, ये एक्चुअली है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर ये है मोल्स इनटू एन फैक्टर, या फिर यह है नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो बात क्लियर, दिस इज व्हाट इज माय ग्राम इक्विवेलेंस, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट थिंग्स आई कैन यूज इट। अब ये ध्यान रखेंगे वॉल्यूम बच्चे आपकी लीटर में होगी, है ना। अब जरा जो नेक्स्ट चीज मुझे डिफाइन करनी है बच्चे, वो है इक्विवेलेंट वेट। ये किस बला का नाम है, ये इक्विवेलेंट वेट बहुत परेशान करता है बच्चों को, और बच्चों को जो होता है ना, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं बेटा, क्यों मैं कहूंगी आप मेरे वीडियो लेक्चर देखो, इसलिए नहीं कि मुझे पॉपुलर होना है, बस इसलिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप सही चीज़ पहचानूँ। YouTube पे हजारों वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सारी ऑनलाइन पोर्टल्स है, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बारीक वाली जो चीज़ है ना, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मेरे को बच्चे पर्सनली बताते हैं कि मैम ये दिक्कत हो रही है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने जो बच्चे देखे हैं उन बच्चों को ये सारी का इंटरनल मीनिंग ना पता हो के सिर्फ फॉर्मूला पता रहता है, तो फॉर्मूला पता होने से अगर मैं 10 सवाल देती हूँ तो 10 में से 5 सवाल बनते हैं और 5 सवाल नहीं बनते, क्योंकि 5 सवाल तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस वो बच्चा बनाता है, लेकिन जहां बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जहां बात आती है मेंस के लिए, जहां आती है फाइट एडवांस के लिए, और जहां फाइट आती है बेटा नीट के लिए, वहां वो बच्चा मार खा जाता है, क्योंकि उसे उसका सिर्फ फॉर्मूला पता है, उसके पीछे का कोई बैकग्राउंड नॉलेज उसे नहीं है। तो मेरा कोशिश पूरी तरीके से ये है बेटा कि अगर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो वो टॉपिक को जो हम पूरा कर दें, उस टॉपिक के पीछे इंटरनल हिडन मीनिंग्स को, हर एक चीज के इंटरनल मीनिंग्स को हम लोग जो है समझ पाए, तभी हमारा मेरा काम सफल होगा और आप लोगों का भी काम सफल होगा, है ना। तो इसी चीज के ऊपर मैं चल रही हूँ। इक्विवेलेंट वेट, हालांकि कहूं तो मैंने समझा दिया है, मैंने बता दिया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, उसमें और बताने लायक क्या है, है ना, लेकिन है बताने लायक, और वो बताने लायक चीज क्या है दादा सुनिए। इक्विवेलेंट वेट को जैसे आपने ग्राम इक्विवेलेंस को तीन डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया ना बच्चे, वैसे ही इक्विवेलेंट वेट को भी डिफाइन किया जा सकता है दो तरीके से। एक तरीका तो आपके सामने मैंने लिख ही दिया है,
पर ये तरीका आने से पहले बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिफाइन किया जाता है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं बोलूंगी इक्विवेलेंट वेट इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एटसेट्रा। तो यहाँ ये डेफिनेशन बड़ी काम की है, ये डेफिनेशन किताबों में लिखी हुई आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इस डेफिनेशन को यूज कैसे करना है बच्चे, यहां मैं सिखाने वाली हूँ आपको ये चीज। हमने बोला इक्विवेलेंट वेट जो है वो है वो मास किसी सब्सटेंस का जो 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, 108 ग्राम सिल्वर, इन सब के साथ जो है बेटा यूज हो या रिएक्ट करे। मतलब यहां मैंने ना कुछ चीजें फिक्स कर दी हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है ना, वो सारा काम हो रहा है, लेकिन कितना कैल्शियम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा वो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, कितना कैल्शियम 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा वो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट बेटा रिएक्शन पे डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट वेट जो है बेटा एक किसी भी रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, किसी एलिमेंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। मैं इसे समझाती हूँ कैसे, यहाँ तक आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही है ना। तो ये एक्चुअली में इक्विवेलेंट वेट को पहले हम लोगों ने डिफाइन किया था किसी ऑक्साइड, हाइड्राइड, क्लोराइड या किसी कंपाउंड के लिए जो सिल्वर के साथ बन रहा है। लेकिन हर एलिमेंट सिर्फ ऐसा तो नहीं है दुनिया में सारे एलिमेंट सिर्फ ऑक्साइड, हाइड्राइड या क्लोराइड ही बनाते हैं, कितने सारे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो रही होती, जिसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं है। जब ऐसे में जब आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्साइड नहीं बन रहा, क्लोराइड नहीं बन रहा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन एन फैक्टर है ना। ये एक जनरल फॉर्मूला है और ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला जो सिर्फ ऑक्साइड, हाइड्राइड या क्लोराइड में ही इस्तेमाल होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली होंगी, इसलिए मैं ये रब कर रही हूँ और अपनी डिस्कशन को इधर ही लेके जा रही हूँ कि इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली में किस चिड़िया का नाम है, क्या बला है जो बच्चों को इतना दुखी करती है। चलिए यहां समझते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या है। ये मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इस रिएक्शन को मोल कॉन्सेप्ट के नजरिए से देखेंगे तो यहां पर एक मोल कैल्शियम होगा बच्चे और एक मोल ही ऑक्सीजन होगा। एक मोल का हमेशा जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ये बात तो हमें पता है। तो एक मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम अगर कैल्शियम होगा तो बच्चे उसके साथ एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर रहा होगा, हाँ या ना। पर अब ये जो 40 ग्राम है ना ये कैल्शियम का एटॉमिक वेट है ना, समझ रहे, ये कैल्शियम का एटॉमिक वेट है। ये जो 16 है ये भी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है। अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं ये देखना चाहती हूं कि इस कंपाउंड का कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो मैं ये देखूंगी कितना कैल्शियम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे। तो 16 के साथ अगर 40 कर रहा है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बेटा 20 ग्राम नहीं ऑफ कैल्शियम कंबाइन करेगा। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का जो निकलेगा इस कंपाउंड में वो है 20 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का जो हमेशा फिक्स हो गया वो हो गया 8 ग्राम, है ना। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स्ड है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स्ड है, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स्ड है। अब जो भी एलिमेंट ऑक्साइड, क्लोराइड या हाइड्राइड बना रहा है उन सब का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि 8 ग्राम ऑक्सीजन और ऑक्साइड के साथ कितना कंबाइन कर रहा है ना। तो यहां देख पा रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का डिफाइन किया गया कि कितना मास कैल्शियम का 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, जो कि सीधा सीधा कितना आ गया 20। तो इस पर्टिकुलर केस में कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20 हो गया, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 फिक्स है। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा क्या हुआ, 20 प्लस 8 28 ग्राम, बोलो हाँ या ना। अब मोलर मास अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड का लूं तो मैं एटॉमिक वेट्स लूंगी इसका 40 और इसका 16, 40 और 16 मेरा कितना बना बेटा 56 ग्राम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि अगर मैं 56/2 करूंगी तो 28 आ जाएगा, इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में मेरा एन फैक्टर बच्चे क्या है, 2। यही वो है जो मैं पहले लिख रही थी कि इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। देखो मोलर मास 56 का अगर मैं हाफ करूंगी तो 28 आएगा ना, इसका मतलब ये चीज यहां पर भी फिक्स हो रही है। यहां मैंने क्या किया, इस डेफिनेशन से एन फैक्टर निकालना सिखाया इन केस ऑफ ऑक्साइड, हाइड्राइड और क्लोराइड। बोले बात क्लियर हो रही है ना? तो इक्विवेलेंट मास बेसिकली यही होता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ या 108 ग्राम सिल्वर के साथ कितना जो हमारा मास है किसी एलिमेंट का वो कंबाइन करें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे लेके चलती हूँ डिस्कशन को। देखिए अब ये आपने देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में निकाला, वैसे ही अगर कैल्शियम हाइड्राइड लेते हैं CaH2 तो आप देखेंगे ये 40 ग्राम अगर ये है एटॉमिक वेट इसका, तो इसका 2 ग्राम होगा क्योंकि ये 1 ग्राम है, 1 मोल है तो ये 2 मोल है। बट इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड कि 1 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा, तो बच्चा अगर ये 1 ग्राम हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 20 ग्राम है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का जो आ रहा है वो 20 ग्राम आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का जो है वो 1 ग्राम है। अब इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम हाइड्राइड का क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1:2 का रेशियो है मोल्स में, लेकिन जब मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करती हूँ ना, तो यहाँ जैसे अगर आपको मोलर मास निकालना होता तो आप क्या करते, अगर आपको लेट्स से कैल्शियम हाइड्राइड का मोलर मास निकालना है, अगर आपको याद होगा तो आप लिखेंगे 40 इसका मोलर मास प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का विच इज 1, तो 2:1 लिखते हैं ना, मतलब 40 प्लस 2 मतलब 42 है ना। अगर ये कोई फॉर्मूला होता है MH3 तो आप करते हैं एटॉमिक वेट M का प्लस 3:1 है ना, मतलब आप ये 3:2 यहाँ पे जो भी होता है उसका फायदा उठाते हो, उस चीज को इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करती हूँ ना, तो यहाँ 2 है या 3 है, यहाँ 1 है 2 है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता, मैं इक्विवेलेंट वेट सिर्फ एलिमेंट्स का ऐड करते जाती हूँ। तो मुझे यहाँ मतलब नहीं है इस चीज़ से कि 2:3 का कंपाउंड है या 3:2 का है या 1:2 का है, वट एवर इट इज आई डोंट केयर, ये रेशियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ इक्विवेलेंट वेट ऐड करती जाती हूँ। तो मैं सिंपल इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का ऐड करूंगी इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का, मतलब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी किसी को, और वो है 20+1 21 ग्राम। तो अब देखिए मोलर मास 42 है, इक्विवेलेंट वेट 21 है, अगर आप यहाँ पे भी एन फैक्टर निकालेंगे बेटा वो 2 आएगा क्योंकि 42/2 विल गिव यू 21, समझ रहे बात को, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल मैं आपको करा रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इन सर्टेन मेटल ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला M3O2 40% by mass of metal is present, calculate equivalent weight of metal। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार आपको जो है देखने को मिलते हैं ना, बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है बेटा ये, इस तरीके से बड़ा आराम से सॉल्व होता है। देखो आपको कंपाउंड दे रखा है M3O2 है ना, जिसमें बोल रखा है 40% बाय मास ऑफ मेटल है, मतलब मेटल अगर 40 ग्राम है और टोटल अगर आप 100 ग्राम ले रहे हो, मतलब ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा बेटा, 60 ग्राम नहीं होगा, हाँ या ना। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो सिंपल सी बात है ना, 8 ग्राम के साथ कितना मेटल रिएक्ट कर रहा है वही उसका इक्विवेलेंट वेट है, तो अब लिखो 60 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहा है 40 ग्राम मेटल के साथ, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल कंबाइन करेगा, 40/60 × 8, हाँ या ना। तो ये हो गया मेरा 2/3 × 8, मतलब 16/3 ग्राम मेटल रिएक्ट करेगा, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट वेट मेटल का हो गया 16/3 ग्राम। बोले बात क्लियर है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट मेटल का यही डिफाइन है ना कि कितना ये मेटल का मास जो है 8 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा, देखो बन गया सवाल है ना। तो इस तरीके से बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पता है वो लोग क्या कर देते हैं, वो इक्विवेलेंट मास किसी कंपाउंड का दे देते हैं और फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक से नॉलेज जो है आपके पास कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जितना मेटल रिएक्ट करे, जितना मास किसी एलिमेंट का रिएक्ट करे, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है ना। तो अब
बेस्ड ऑन द नॉलेज राइट नाउ आप ये समझ गए बेटा ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, बेटा आप ये समझ गए इक्विवेलेंट मास क्या होता है और इक्विवेलेंट मास को डिफाइन कैसे किया जाता है। एक तरीका इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करने का ये है जो मैंने क्लियर कर दिया, और इन्हीं तरीके से मैंने आपको एन फैक्टर निकालना भी सिखा दिया। अब जहां मैं फंसती हूं वो ये है कि ये जो मैंने आपको बात बताई अभी तक वो एक जनरल बात है इक्विवेलेंट वेट की, है ना। अब मैं अपने चैप्टर की तरफ जाती हूँ सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन चैप्टर है उस चैप्टर में मुझे मेनली एसिडिक सोल्यूशंस, बेसिक सोल्यूशंस, न्यूट्रल सोल्यूशंस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सोल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन मिलेंगे, बहुत सोल्यूशंस मिलेंगे। इन सोल्यूशंस में जनरली नहीं है जरूरी कि हाइड्राइड क्लोराइड प्रेजेंट हो, तो इन दैट केसेस एक जनरल वे में इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का, लेट्स से HCl का इक्विवेलेंट वेट मैं बोल दूं या फिर किसी कंपाउंड का बोल दूं, लेट्स से मैं बोलती हूँ सोडियम फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट बताइए मुझे, बेरियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट बताइए मुझे, या बेरियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट बताइए, सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट, आयंस का इक्विवेलेंट वेट, एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, वो जनरल डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन बच्चे तब हो सकती है जब मैं उन सारे एसिड्स की सॉल्ट का एन फैक्टर पता कर लूं, एंड इफ आई हैव एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करके आई कैन हैव देयर इक्विवेलेंट वेट एज वेल। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। अब एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं कि एन फैक्टर्स हमें कहां कहां कैसे कैसे पढ़ने हैं। एन फैक्टर्स के डिस्कशन की तरफ चलते हैं और फिर हम अपने सोल्यूशन को आगे लेके जाएंगे गैस इन लिक्विड सोल्यूशन की तरफ। चलिए कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर का कैलकुलेशन बच्चे हम लोग करेंगे एसिड्स में, हम लोग करेंगे बेसिस में, सॉल्ट्स में, आयंस में, और लास्ट केस होता है रिडॉक्स रिएक्शंस में। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में मैं ये वाला पार्ट कवर नहीं कर रही कि रिडॉक्स रिएक्शंस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बिकॉज दिस पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड इन रिडॉक्स चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में, है ना। 12th के पार्ट में हमें इसको डिस्कस नहीं करना। सोल्यूशन चैप्टर के रिस्पेक्ट में मुझे ये तीन सारे चार केसेस में जो है अपने एन फैक्टर्स को डिस्कस करना है, इससे मेरे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एसिड्स में। इन केस ऑफ एसिड्स, देखिए एसिड्स के लिए बड़ा ध्यान से सुनेंगे एन फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है। एन फैक्टर हमेशा होता है नंबर ऑफ एच प्लस आयंस फर्निश्ड by acid in acid base neutralization reaction। तो हम n factor को define करते हैं number of H plus ions furnished by acid in acid base neutralization reaction, ठीक है। For example अगर मैं एक acid ले लूँ HCl, तो HCl को जब मैं पानी में डिजोल्व करूंगी एक्वा सोल्यूशन बनाऊंगी तो वो पूरा टूटेगा, H प्लस आयंस देगा और Cl माइनस आयंस देगा, तो वो एक H प्लस आयंस फर्निश कर रहा है बेटा, इसका एन फैक्टर क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, है ना। H2SO4 को अगर मैं पानी में डिजोल्व करती हूँ, H2SO4 का एक्वा सोल्यूशन बनाती हूँ, वो पूरा टूटता है, वो देता है 2H प्लस आयंस एक्वा सोल्यूशन में, सल्फेट आयंस एक्वा सोल्यूशन में, तो एन इसने कितने H प्लस आयंस दिए बेटा, 2, इसका एन फैक्टर बच्चे हो गया 2, है ना। बड़ी आसान सी चीज लग रही है, मजा आ रहा है देखने वाले, तो बड़ा ही सिंपल है मैडम, लेकिन आप इसमें इन छुपी हुई चीजें क्या हैं जिससे हम चीजों को गलत करते हैं, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को जो मैं सामने आपके लिख रही हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने रिएक्शन लिखी MnO2 मैंने पूछा कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ HCl, हाँ है ना, है ना। तुरंत छूटते ही सारे बच्चे के HCl का इनफैक्टर, मैंने तो बड़ा ही सिंपल HCl का इनफैक्टर तो हमेशा 1 ही होता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, HCl तो हमेशा एक H प्लस आयन से तो जनरेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एन फैक्टर ऑफ HCl इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड, वो हमें कभी भी इस केस में कितने एच प्लस आयंस वो दे रहा है उसके बराबर कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप ये छोटी सी चीज देख रहे हो जो मैंने लिखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हो, एसिड बेस रिएक्शन होना जरूरी है। अब सुनना मेरी बात को, ये आधी नॉलेज जो मैंने आपको दी, दिस इज हाफ नॉलेज,
कंप्लीट नॉलेज क्या है उसको समझे बेटा, यही आपको समझाया जाता है जनरल के लिए। HCl का इनफैक्टर 1, H2SO4 का इनफैक्टर 2, H3PO4 का इनफैक्टर 3, बड़ा आसान है इसमें क्या मैडम, ये तो बड़ी इजी सी बात है। इजी नहीं है, एंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, मतलब इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि बस ऐसे ही छूटते ही बिना सोचे समझे हम आंसर दे, हमें सोचना पड़ेगा, हमें भगवान ने दिमाग दिया, हमें सोचना है। सोचो यहाँ पे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन दिया है, तो आप समझ रहे हैं ये आधा क्या है, ये चीज मुझे क्या समझा रही है, इसको सुनो। ये मुझे कहना चाह रहा है अगर HCl को मैं किसी NaOH के साथ रिएक्ट करती हूँ, एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो उस केस में NaCl और वाटर बनता है ना, हाँ है ना। अब यहां देखना, ये HCl जो है एक्चुअली में NaCl बनाया, इसका मतलब क्या है, HCl जो है वो टूटा एज H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस में, Cl माइनस यहां चला गया और जो H प्लस है वो वाटर में चला गया, तो टेक्निकली H प्लस कितने मिले, एक, इसलिए इनफैक्टर बना, समझ रहे हो बात को। तो HCl का इनफैक्टर 1 सिर्फ और सिर्फ तब है जब HCl किसी एक बेस के साथ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में जा रहा हो, समझ रहे हो। अब आप कहोगे मैडम दूसरा बेस लो आपने, NaOH क्यों लिया, ठीक है मैं दूसरा बेस लेती हूँ, लेट्स से HCl को बेटा मैं रिएक्ट करा रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सुनते चलना ध्यान से, ये बनेगा बेटा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, इसको बैलेंस करो, यहाँ 2HCl लगाओ, रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब पकड़ो बात को कि यहां से आप यहां पहुंचे, है ना, इसमें आप देख रहे हो 2Cl वो ये रहे, तो ये 2Cl एज इट इज यहाँ है, 2H+ निकल गए होंगे और ये 2H+ एक्चुअली में किसमें गए होंगे, वाटर में। तो यहां पे क्या हुआ है, 2 moles HCl ने फर्निश करे 2 moles H+ आयंस, इसका मतलब 1 mole HCl ने फर्निश करा 1 mole H+ आयंस, तो कितना H+ आयंस फर्निश करा, एक, इसलिए n फैक्टर 1 है, समझ रहे हो। तो HCl का n फैक्टर हमेशा 1 होगा जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि HCl के पास एक ही H+ है जो वो देता है, ठीक है। अब ये हमेशा 2 mole ने 2 जनरेट करा, तो एक ने एक जनरेट करा, तो एन फैक्टर उसका क्या हो गया, 1 हो गया। तो बोल रहे ना नंबर ऑफ H+ आयन जनरेटेड बाय एसिड इन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये एक्चुअली में पर मोल ऑफ एसिड होता है ना, पर मोल ऑफ एसिड होता है ये चीज, ठीक है। अब थोड़ा सा आपकी डिस्कशन को आगे और लेके जा रही हूं क्लैरिटी लाने के लिए। देखो आप H2SO4 लो और रिएक्ट कराओ NaOH के साथ, मिला Na2SO4 प्लस वाटर, है ना, ये रिएक्शन आपके सामने दे रखी है। ये रिएक्शन बेटा आप ध्यान से देखो, ये बैलेंस तो नहीं है, इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। बैलेंस हो गए क्या रिएक्शन, 2 Na बैलेंस हो गए, 2OH और 2H, है ना, तो 4, तो ये लो बैलेंस हो गए, है ना। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इस केस में आपको H2SO4 की बात करनी है, आपको इसका इन फैक्टर निकालना है। अब देखो ये यहां से यहां गया, मतलब एक H2SO4 ने पूरा सल्फेट अपने दे दिया और दोनों H इसके सोडियम से रिप्लेस हो गए, तो एक्चुअली एक मोल H2SO4 ने जो है 2H+ आयंस लिबरेट करे, साथ में सल्फेट आयन दिया, दोनों H+ आयंस इसके किससे रिप्लेस हो गए, सोडियम से रिप्लेस हो गए, तो पर मोल एक मोल ने कितने H+ दिए, 2, तो इनका इन फैक्टर क्या बना है, 2, समझ रहे हैं H2SO4। अब इसी सवाल को मैं ऐसे लिख देती, ध्यान देना यहां पे, ध्यान से एकदम सुनेंगे, H2SO4 को बेटा मैं लिख देती हूँ NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, पर ये रिएक्शन में मुझे मिल रहा है NaHSO4 और वाटर, तो कोई गड़बड़ थोड़ी है। लेकिन इस केस में अब आप H2SO4 को देखिए, ये यहां से यहां गया, तो इसका एक H तो एज इट इज बचा हुआ है ना, तो इसका सिर्फ एक ही H सोडियम से रिप्लेस हुआ है, तो इस केस में N फैक्टर जो H2SO4 का बच्चे वो 1 है, तो H2SO4 का भी N फैक्टर हमेशा 2 नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये 2H+ आयंस रिप्लेस करे पूरे पूरे। तो मैं ये क्लियर सी एक बात बोल सकती हूँ कि N फैक्टर इज ऑलवेज रिएक्शन डिपेंडेंट, बड़े ही ध्यान से इस चीज को समझेंगे, N फैक्टर इज ऑलवेज रिएक्शन डिपेंडेंट। एसिड का N फैक्टर जो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ H+ आयन फर्निश्ड बाय पर मोल ऑफ एसिड, ये सिर्फ और सिर्फ तभी है जब रिएक्शन आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो, और किसी रिएक्शन में बेटा ये चीज वैलिड नहीं है। ये रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखा है बेटा, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं होके एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इस केस में ये फॉर्मूला H+ का वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा भ्रम में मत जाइए, HCl हमेशा 1, जहां HCl देखे N फैक्टर 1 कर दिया जाए, है ना, ऐसे नहीं करना,
ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है। बात क्लियर होगी बच्चे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और डिस्कशन करते हैं किसी और एसिड की। इसको आराम से बच्चे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे लेट्स से H3PO4 जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्थो फोरिक एसिड। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ बेटा तो वो ये होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ये मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 3H रिप्लेस कर सकता है, 3 हाइड्रोजन्स रिप्लेस कर सकता है। देखिए कैसे, H3PO4 को अगर मैंने NaOH के साथ रिएक्ट कराया और ये बनाया Na3PO4 प्लस वाटर, तो अब देखिए यहाँ से ये एसिड जब यहाँ गया इसके तीनों ही H सोडियम से रिप्लेस हो गए, तो इस केस में N फैक्टर H3PO4 का बच्चे 3 कहलाया जाएगा। बट वहीं पे अगर H3PO4 को NaOH के साथ बेटा मैं रिएक्ट कराऊं और मैं बनाऊं Na2HPO4, तो इस केस में आप देखेंगे यहां से जब आप यहां गए, इस केस में आप देख रहे हैं सिर्फ दो ही H इसके सोडियम से रिप्लेस हुए, एक H एज इट इज प्रेजेंट है। इसका मतलब इस केस में इसका N फैक्टर 2 है। और वहीं से अगर H3PO4 को NaOH के साथ ट्रीट करें और वो बनाए NaH2PO4 प्लस वाटर, देखिए सारे एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है, बस कितने H रिप्लेस हुए ये देखना है, एक ही H रिप्लेस हुआ है, N फैक्टर बेटा आप इसे क्या बोल देंगे 1। क्लियर हो रही है बात? तो ये सारी चीजों को आप ध्यान से समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक जो कॉम्प्लेक्सिटी में डाल सकती हूँ वो ये है कि मैं नाम दे दूं, तो इसका नाम तो पता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या बना है तो मैं बोलूं व्हेन ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH एंड फॉर्म सोडियम फॉस्फेट व्हाट इज द N फैक्टर, तो 3 आएगा क्योंकि इसका नाम है बेटा सोडियम फॉस्फेट। अब ये इसका क्या नाम है, इसका नाम बेटा हम लोग बोलते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इस केस में N फैक्टर इसका क्या आ रहा है बच्चे 2 आ रहा है, इसको हम बोलेंगे सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। और इस केस में बच्चे N फैक्टर इसका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। आप देख रहे हैं फिर से मैक्सिमम N फैक्टर H3PO4 का 3 हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीजें रिएक्शन डिपेंडेंट है कि इसका N फैक्टर क्या होगा, फिक्स्ड नहीं है। तो अगर आपसे JEE में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में नीट में सवाल पूछ लिया जाए द N फैक्टर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज 3, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज नॉट ऑलवेज 3, इट कैन बी 3, इट कैन बी 2, इट कैन बी 1 डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। समझ रहे बात को? ठीक, चलिए आगे चलते हैं डिस्कशन, H3PO3 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बेटा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं एक तो रिड्यूसिंग एच होता है और 2 H होते हैं, तो मैक्सिमम N फैक्टर ये 2 दे सकता है। तो इस केस में NaOH को अगर मैं H3PO3 के साथ बच्चे रिएक्ट कराऊं तो वो 2H रिप्लेस कर सकता है, मतलब मेरे को मिल सकता है Na2HPO3, दिस इज द मैक्सिमम आई कैन गेट। तो इस केस में आप देख रहे हैं यहां से यहां जाने में 2H इसके रिप्लेस हो गए, तो इसका N फैक्टर बेटा मैं 2 बोलूंगी, है ना, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही H वो रिप्लेस कर सकता है। अब NaOH को अगर मैंने H3PO3 के साथ रिएक्ट किया और उसने बनाया NaH2PO3, तो आप देख रहे हैं इसने एक ही H को रिप्लेस करा है यहां से यहां जाने में, तो इसका N फैक्टर 1 हो गया, है ना। अब इसका नाम आपको पता है फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या है बेटा, इसको बोलेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइट, हाइड्रोजन फॉस्फाइट। तो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइट जब बनता है तब हमारा N फैक्टर 2 हो जाता है, और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट जब बनता है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट, तो हमारा रिएक्ट जो है वो जो बनता है उसका N फैक्टर 1 होता है। अब अगर आप लोग इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं कि नाम कैसे दिए जा रहे हैं बेटा, हालांकि मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस बनाई है S ब्लॉक P ब्लॉक में, आप उस पर देख पाएंगे कि नॉमिनक्लेचर कैसे है,
कहाँ ऑर्थो लगाना है, कहाँ आइट और एट लगाना है। अभी एक ग्लिम्स दे देती हूँ, आप आगे भी पढ़ेंगे। ग्लिम्स में सिंपल इतना समझ लीजिए, ऑर्थो तब लगाते हैं जब एसिड जो हमारा ऐसा होता है कि उस एसिड से अगर मैं मैक्सिमम वाटर निकालूं तो स्टेबल ऑक्साइड मिले। तो आप आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड का एक स्टेबल ऑक्साइड बनता है P2O5 या P4O10 जिसे हम बोलते हैं, इसलिए ऑर्थो लगाते हैं इसके नाम के आगे। और इक का मतलब ये, इक आप देख रहे हैं सफिक्स, इक तब लगाते हैं जब जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइएस्ट हो। यहाँ देखेंगे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हाइएस्ट है +5, इसलिए इक लगाया है। और इक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं ना उन सबके पीछे 8 लगता है, तो इसलिए आप देखते हैं ना इक जो होता है जैसे नाइट्रिक, नाइट्रिक का सॉल्ट नाइट्रेट बनता है ना, ऐसे ही देखता है। यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसलिए इक ना लगा के अस एसिड है। और एस एसिड का सॉल्ट हमेशा आइट होता है, इसलिए फॉस्फाइट लिखा जा रहा है यहाँ पे, है ना। डाई सोडियम हाइड्रोजन तो आपको फॉर्मूले से ही समझ आ रहा है ना। आप इसको पता है, एक चीज और मैं बताऊँ, क्योंकि ये मैक्सिमम इसका है ना, मैक्सिमम एन फैक्टर वाला है ना, तो आप इसको सोडियम फॉस्फाइट भी बोल सकते हो, सोडियम फॉस्फाइट। तो अगर सोडियम फॉस्फाइट कहीं लिखा रहा है ना तो प्लीज कंफ्यूज मत होना मैडम, सोडियम फॉस्फाइट बना दे Na3PO3, बेटा ऐसा कोई सॉल्ट नहीं होता, क्योंकि फॉस्फोरस एसिड जो है ना 3H नहीं दे सकता, फॉस्फोरस एसिड से 2H दे सकता है। तो सोडियम फॉस्फाइट मतलब सारे सोडियम रिप्लेस कर दिए गए, और मैक्सिमम ही 2 सोडियम रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइट को सोडियम फॉस्फाइट भी बोला जाता है। समझ रहे बात को, क्लियर हो रही है बात, ठीक। सिमिलरली आपके पास है H3PO2 बेटा, जिसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें हाइपो हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ना 2 यूनिट कम है, तो लोअर +3 है तो उससे 2 यूनिट कम, आप देख रहे हैं +1, इसलिए इसके नाम क्या आ गए, हाइपो लगा दिया। और अस है मतलब सॉल्ट आईटी बनेगा। अब इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत ये है कि इसके पास 2 रिड्यूसिंग H और ये मैक्सिमम 1 ही H दे सकता है, तो सिर्फ 1 ही H देगा, तो इसका एक ही रिएक्शन हो सकता है कि NaOH को जब आप H3PO2 के साथ रिप्लेस करें तो ये बनाएं, 1 ही H रिप्लेस होगा, बाकी एज इट इज रह जाएंगे वाटर। और इसका एन फैक्टर आप देखें, यहाँ से यहाँ जाने में 1 ही H रिप्लेस हुआ है, तो एन फैक्टर आप बोल देंगे इसका 1। और ये जो बना है ना यहाँ पे, आप इसे बोल सकते हो सोडियम डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइट या फिर सोडियम हाइपोफॉस्फाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने मैक्सिमम रिप्लेस हो सकते थे वो रिप्लेस हो गए हैं। तो यहाँ मैक्सिमम 3 रिप्लेस हो सकते थे, इसलिए सोडियम फॉस्फेट बना ना, इसको मैंने ट्राई सोडियम फॉस्फेट थोड़ी बोला, मैक्सिमम जितने हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं उसे, तो मैक्सिमम रिप्लेस हो गए सोडियम फॉस्फेट। यहाँ मैक्सिमम 2 ही थे, दोनों रिप्लेस हो गए सोडियम फॉस्फाइट, यहाँ मैक्सिमम 1 ही था, 1 ही रिप्लेस हुआ है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। समझ रहे बात को, तो आप एक बार ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगा नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, और बहुत आसान है नाम देना, इतना मुश्किल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फॉस्फोरस एसिड्स का इनफैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब एक केस और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप तसल्ली से आराम से जो है वीडियो को पॉज करके बच्चे नोट कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से नोट करना, ठीक। अब मैं आगे चल रही हूँ और एक और केस डिस्कस कर रही हूँ मैं एसिड्स में इनफैक्टर का, और बेटा वो है हमारा बोरिक एसिड। इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे, बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड। बच्चे कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है बोरिक एसिड को, वो BOH होल थ्राइस लिख देते हैं, तो मत बोलना मैडम ये तो बेस है इसके अंदर तो OH है, OH इन सारे एसिड्स में, इसलिए ये सारे एसिड्स हमारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके अंदर OH प्रेजेंट होता है, तो बोरिक एसिड ऐसा फॉर्मूले में ऐसा लग रहा है ना कि एक बेस जैसा है, पर ये बेस नहीं है, ये एक एसिड है। बोरॉन इज अ सेमी मेटल की कैटेगरी में आता है, इसलिए दिस इज अ एसिड, है ना। अब बोरिक एसिड में हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास 3H है ना जो ये रिप्लेस कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, इसके पास एक 2p ऑर्बिटल बोरॉन का जो है एम्प्टी है, इसलिए जब मैं बोरिक एसिड को पानी में डालती हूँ ये कहता है कि मैं अपना H तो बाद में दूंगा भैया, पहले मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूँ। तो जो वाटर है, वाटर में H+ और OH- आयंस है, और OH- आयंस जो है वो बोरिक एसिड गेन कर लेता है ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर ले, और इस पूरे प्रोसेस में बोरिक एसिड का एक H+ सॉल्यूशन में लावारिस घूमने लगता है, और इस H+ की वजह से इसका एन फैक्टर बच्चे क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। बात क्लियर हुई, तो ये चीज़ सारी जो है इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड देखने में ऐसा लगता है कि इसका एन फैक्टर 3 होगा, पर वो एन फैक्टर 3 नहीं है, वो 1 है, ये एक मोनो बेसिक एसिड है। तो आप ये याद रखिए बेटा कि एन फैक्टर ऑफ एसिड्स जो होता है वो एसिड की बेसिसिटी होती है,
तो वन एंड फैक्टर मतलब मोनोबेसिक, दो एंड फैक्टर मतलब डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, लाइक दिस। क्लियर हो रही है? तो ये एसिड्स के मैंने मैक्सिमम केसेस डिस्कस करे हैं एंड फैक्टर में। ये सारे केसेस आपको ध्यान रखने हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, बेसिस के सॉल्ट्स के एंड फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेस का एंड फैक्टर डिस्कस करूंगी। बेटा अगर आप लोग एसिड का एंड फैक्टर समझ गए हैं तो बेस का एंड फैक्टर बहुत सिमिलर है और बहुत सिंपल है। तो एन फैक्टर्स ऑफ बेसिस में एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस फर्क ये है कि एन फैक्टर ऑफ बेसिस जो है वो है नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस फर्निश्ड बाय वन मोल ऑफ बेस इन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। फिर से आ गई वही बात, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे आपके पास NaOH है उसमें तो एक ही है, तो जब ये HCl के साथ रिप्लेस होता है तो NaCl और वाटर बनता है ना बच्चे। तो यहां से देखो, यहां से सोडियम तो एज इट इज है, कितने OH रिप्लेस हुए Cl से, एक, एन फैक्टर वन हो गया। समझ रहे बात को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं HCl के साथ रिप्लेस करूं, बनाऊं CaCl2 प्लस वाटर, जरा ध्यान से देखिए इससे, कैल्शियम तो एज इट इज है और दोनों के OH दो Cl से रिप्लेस हुए, मतलब हर OH एक Cl से रिप्लेस हुआ। बट अभी फिलहाल कितने OH इसने दिए होंगे, इस केस ने हर बार दो OH दिए होंगे, तो N फैक्टर इसका क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 हो गया। बट वहीं पे अगर कुछ ऐसा लिख देती बेटा मैं, अब देखिए यहां से यहां जाने में एक OH तो इंटैक्ट है, एक ही OH रिप्लेस हुआ है, तो N फैक्टर इसका क्या हो जाता, 1। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स वी वर डूइंग इन एसिड्स, है ना? वैसे ही AlOH होल थ्राइस का भी आप बना सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम एन फैक्टर कितना हो सकता है इसका, 3। फिर अगर एक OH छोड़ देते हैं, दो को रिप्लेस कर देते, 2 हो जाएगा। फिर 2 OH छोड़ देते, 1 को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एन फैक्टर 2, 3, 1 सारे चीजें जो हैं हो सकती हैं। बोले बात क्लियर हुई? तो केस 2 भी आपको क्लियर हो गया एन फैक्टर बेसिस का क्या होगा, है ना? अब आते हैं केस 3 पे, एन फैक्टर्स ऑफ सॉल्ट्स। ये बड़ा सही है, सिंपल है, ये सिंपल है, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। एक सॉल्ट में टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज क्या होता है बेटा? सॉल्ट इज न्यूट्रल, राइट? तो न्यूट्रल अगर है तो उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज तो सेम ही रहना है, मतलब उसमें टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज तो सेम ही रहना है। तो आपको एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, बट टोटल मैग्नीट्यूड लेना है ना। अब मैं समझाती हूँ उस टोटल का मतलब क्या है। जैसे मैंने सॉल्ट दे दिया आपको NaCl, है ना? Cl के ऊपर -1 होता है, सोडियम के ऊपर +1 होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे एन फैक्टर 1 हो गया। सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 बच्चे, है ना? जरा ध्यान से देखना टोटल का मतलब। फॉस्फेट के ऊपर तो -3 का चार्ज होता है, अब सोडियम के ऊपर तो +1 होता है ना, लेकिन टोटल चार्ज देखना है सोडियम के ऊपर, मतलब कितने सोडियम हैं इनटू मल्टीप्लाई करना है चार्ज के। तो टोटल सोडियम के ऊपर +3 आएगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 और 3 सोडियम। तो अब आप देख रहे हैं टोटल चार्ज का मतलब क्या, एन फैक्टर इसका 3 होगा। समझ पा रहे बात को, है ना? अब वैसे ही मैंने बोल दिया बेरियम फॉस्फेट, तो बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बच्चे ये बनेगा, बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है पर 3 बेरियम है, तो टोटल चार्ज इसमें +6 का हुआ। फॉस्फेट के ऊपर -3 का चार्ज होता है, 2 फॉस्फेट है, मतलब टोटल चार्ज में -6 हुआ, तो एन फैक्टर इसका क्या बन गया बेटा, 6। तो इस हिसाब से आपको टोटल चार्ज लेना होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए चाहे नेगेटिव चार्ज का, वो तो एक ही बात है, लेकिन टोटल लेना है। क्लियर हो रही है बात? सिंपल सी चीज है, है ना? और अब एक लास्ट केस की तरफ आती हूँ जो कि और आसान है, केस 4, वो है एन फैक्टर ऑफ आयंस। एन फैक्टर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन देम, मतलब अगर मैंने Cl- लिखा तो एक चार्ज है, एन फैक्टर 1 कर दो। Al3+ लिखा, 3 यूनिट का चार्ज है, एन फैक्टर 3 कर दो। समझ रहे हैं? कोई भी आप लिख रहे, Ba2+ लिख रहे, 2 चार्ज है, एन फैक्टर 2 कर दो। तो इनके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उनका एन फैक्टर होता है ना। तो एन फैक्टर्स का डिस्कशन भी हम लोगों ने जो कर लिया है कि एन फैक्टर्स हमें सिर्फ सॉल्यूशन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से
स्टडी करना था एसिड्स का, बेस का, सॉल्ट्स का और आयंस का. और आप देख रहे हैं मैंने हायर लेवल से एकदम नीचे ले गई हूँ, क्योंकि आयंस का बहुत आसान है, सॉल्ट का आसान है, बेस का भी सिंपल है. सिर्फ जो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो आता है हमारे एसिड्स के एंड फैक्टर पे, जो कि मैंने सारे केसेस आप लोगों से डिटेल में डिस्कस कर लिए. इससे ज़्यादा बेटा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र हो जाइए. आपको बस यही केसेस दोहराने हैं और आपको एसिड, बेस, सॉल्ट्स और आयंस के एंड फैक्टर्स आते होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्लियर? एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा. कई कई बार कभी कभी क्या होता है, हमें डबल सॉल्ट दे दिए जाते हैं, समझ रहे? डबल सॉल्ट मतलब जो दो सॉल्ट्स एक साथ जो है प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कि मैंने आपको दे दिया सोडियम फॉस्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट, देख रहे, डबल सॉल्ट टाइप. तो इन दैट केस आपको दोनों सॉल्ट का इनफैक्टर बेटा ऐड करना होता है. तो पहले इसका निकाल लीजिए, यहाँ पे प्लस थ्री है, यहाँ माइनस थ्री है, मतलब इस वाले सॉल्ट का इनफैक्टर थ्री है. सिमिलरली यहाँ पे प्लस सिक्स होगा, यहाँ माइनस सिक्स होगा, इस वाले सॉल्ट का इनफैक्टर सिक्स होगा. तो टोटल इनफैक्टर पूरे डबल सॉल्ट का नाइन होगा. तो इन केस ऑफ डबल सॉल्ट, दोनों सॉल्ट के इनफैक्टर बच्चे ऐड कर दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है. बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो यहाँ तक हमने एक बेसिक ओवरव्यू जो है बच्चे ले लिया है अपने सॉल्यूशन चैप्टर का. मैं आपको जो समझाना चाह रही थी, सॉल्युबिलिटी को हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो है डील करते हैं, वो हमने डील कर लिया कि सॉल्युबिलिटी को हम कैसे कैसे जो है समझते हैं. बात क्लियर है? अब मेन चैप्टर की ओर चलते हैं. मेन चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कहा था हम लोग डिस्कस करेंगे, वो छोटा सा ही पार्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन को. सो लेट्स कम एंड डिस्कस गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बस मेरी वीडियो सुनते जाना है. जहां आपको नोट करना बस पॉज करिए और लिखते चलिए. जो डाउट्स हो आफ्टर द वीडियो आई विल बी टेकिंग अप, राइट? डोंट वरी, चीज़ें बहुत सॉर्टेड कर लेंगे हम आराम से, बहुत आराम से हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है? मेन चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. बेटा सिंपल सी चीज़ है, इस केस में मेरा जो सल्यूट है बेटा वो गैस रहेगा, मेरा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड रहेगा, और सॉल्यूशन जो है वो मेरा लिक्विड स्टेट का ही रहेगा. आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि मैंने क्यों बोला कि मेरा सॉल्यूट जो है वो गैस रहेगा? क्योंकि दो जो हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट जिनको मैं मिक्स कर रही हूँ, वो दोनों कंपोनेंट्स बेटा डिफरेंट फेजेस के हैं, है ना? और डिफरेंट फेजेस में सॉल्वेंट वो होता है जिसका सेम फेज हो एज सॉल्यूशन. तो जब हम गैस को लिक्विड में डालेंगे, तो आप लोग वो पीते हैं ना बेटा कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा बॉटल्स, है ना, एरिएटेड ड्रिंक्स, जिसमें आप देखते हैं जब आप एक सील्ड बॉटल लेते हैं, है ना, उसको आप खोलते हैं तो ऊपर से मतलब CO2 निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं. वो एक्चुअली क्या होता है, सारे कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में जो एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, इसमें हम जो गैस होती है CO2 को जो है अपने लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हैं. कोल्ड ड्रिंक क्या है, लिमका, फैंटा, आप जो पीते रहते हैं, क्या है ये, फ्लेवर्ड वाटर होता है, है ना? उस फ्लेवर्ड वाटर में बस हमें पीने में अच्छा सा लगता है ना, जैसे हम कहते हैं मतलब एक डिफरेंट टेस्ट आता है. जैसे आप, अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि घर में मैं एक नॉर्मल पानी लूं और उसके अंदर ग्लूकोज मिला दूं ऑरेंज कलर का, उसको पीने में और जो आप मिरिंडा पीते हो जो सेम कॉम्पोनेंट होता है, उनमें फ़र्क नहीं है. टेस्ट में क्या फ़र्क आता है, वो जो फ़र्क आता है ना, जो आपको एक एहसास दिलाता है कि आपने कुछ जो जिस वजह से कोको कोला और कंपनीज इतना चल पा रही है, वो है उसके अंदर जो गैस डिजॉल्व है, एरिएटेड ड्रिंक्स है वो. तो मिरिंडा और जो आपका नॉर्मल ग्लूकोज, ऑरेंज फ्लेवर ग्लूकोज आप पानी में डिजॉल्व करते हैं, एक्चुअली में फ्लेवर उनका सेम होता है, बस फर्क इतना है कि जो आपने पानी पिया सादा पानी, उसमें कोई गैस डिजॉल्व नहीं है. बट अब जो कोको कोला और मिरिंडा ले रहे हैं ना, उसके अंदर वो CO2 डिजॉल्व करके रखते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में, सील्ड अंडर हाई प्रेशर. तो जब से खोलते हैं तो CO2 बाहर निकलती है, इसलिए उसके ऊपर बबल्स फॉर्म होते हैं ना, एफोवेसेंस निकलता है. उसे पीते आपको बड़ा अच्छा सा लगता है, हाँ हमने पता नहीं क्या पी लिया, बड़ा मजा आता है. लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो कितना हार्मफुल है, क्योंकि वो एक्चुअली में अब CO2 अपने अंदर ले जाते हैं. खैर मैं क्या हार्मफुल है हमें उसकी बात नहीं करनी, हम अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहते हैं. ये सारी चीज़ें गैस एंड लिक्विड का ही तो एग्जाम्पल है.
है ना, गैस को आपने किस में डिजोल्व करा, CO2 को बेटा। अगर मैं पानी में डिजोल्व कर रही हूँ तो मेरा सोल्यूशन तो लिक्विड ही रहना है ना, इसलिए मेरा गैस सोल्यूट है और मेरा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड। समझ पा रहे हैं, वो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन था वो यहाँ पे मैंने कैसे रिलेट किया है ना, तो ये वही चीज है। तो मेरा गैस जो है वो सोल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट मेरा लिक्विड रहेगा और सोल्यूशन मेरा फाइनल लिक्विड स्टेट का रहेगा। हम यहाँ पे सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स। तो यहां हम लिख देते हैं फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे पहला हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज। तो एक चीज जिस पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करेगी बेटा, वो होगा मेरा नेचर ऑफ गैस एंड ऑफ कोर्स द नेचर ऑफ लिक्विड। आप लोगों ने एक चीज हमेशा पढ़ी है ना, लाइक थिंग्स रिपेल और अनलाइक थिंग्स अट्रैक्ट, ये पढ़ा है कभी? हाँ पढ़ा होगा, लेकिन ये बेटा सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के केस में होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, है ना, ये आपके उस केस में होता है। लेकिन यहाँ पर हम चार्जेस की बात नहीं कर रहे, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में जो चीज़ वैलिड होती है वो होती है लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, अनलाइक डिजॉल्व्स इन, मतलब अनलाइक तो नहीं होता कुछ भी, तो लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? आप लोग ना बेटा देखो, होता है हमेशा ऐसा ही है ना, हम जैसे होते हैं हमारे दोस्त भी वैसे ही होते हैं, हम वैसे ही संगति पसंद करते हैं जैसा हमारा खुद का नेचर है। तो यहाँ पर वो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है कि अगर गैस को लिक्विड के अंदर घुलना है तो गैस और लिक्विड का नेचर सेम होना चाहिए। अगर उनका नेचर सेम है, सिमिलर है, तो वो गैस बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिसॉल्व होगी उस लिक्विड में, और सिमिलर नहीं है तो वो गैस बहुत आराम से डिसॉल्व नहीं होगी। तो अब मेरा जो लिक्विड हो सकता है बेटा, वो दो तरीके का हो सकता है, या तो पोलर हो सकता है या तो नॉन पोलर हो सकता है। तो अगर मेरे पास पोलर लिक्विड है, एग्जाम्पल जैसे मैं दे देती हूँ वाटर, है ना, पोलर लिक्विड्स है, तो उसके अंदर पोलर गैसेस डिसॉल्व होंगी, पोलर गैसेस will dissolve faster more than non-polar, non-polar gases कम dissolve होंगी। और जबकि जो non-polar liquid है उस केस में मैं बोल सकती हूँ non-polar gases will dissolve more, more than polar gases। अब इसको और इलाबोरेट करते हैं। इस चैप्टर में जनरली जो मेरा लिक्विड रहना ना बेटा, वो पोलर ही रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जनरली जो मेरा लिक्विड रहेगा बेटा वो वाटर रहेगा, और वाटर के अंदर ह्यूज डाइपोल होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डाइपोल होता है। तो वाटर एक्चुअली में एक पोलर लिक्विड की कैटेगरी में हमारे पास आता है, और वाटर जैसा आपको पता है बेटा वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को यूज़ करते हैं, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसलिए इस केस में भी हम मेजरली जो लिक्विड कंसीडर करेंगे वो हमारा पोलर लिक्विड ही होगा। मतलब मेरे लिए जो चीज़ काम की है वो ये है, तो अगर पोलर लिक्विड है मेरे पास, मतलब वाटर है, तो उसके अंदर पोलर गैसेस ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ लेट्स से सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया ज़्यादा होगी, मीथेन ज़्यादा होगी इन वाटर, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? तो अमोनिया और मीथेन में आप देखते हैं, मीथेन जो है वो तो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, जिससे आप डाइपोल करते थे, इसका डाइपोल मॉलिक्यूल तो जीरो होता है, जबकि अमोनिया एक में लोन पेयर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसका डाइपोल काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी अमोनिया की ज़्यादा होगी किसमें, कंपेयर टू मीथेन इन वाटर, समझ रहे हैं, बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक। तो अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो उसके अंदर जिसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा जल्दी अमाउंट में डिजॉल्व करेगा, समझ रहे हैं। अब लेट्स से इसी केस को मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर में। अब आप कहेंगे भैया ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है, जीरो डाइपोल होता है,
और हाइड्रोजन भी नॉन पोलर है, दोनों का जीरो डाइपोल होता है, तो दोनों ही इनसॉल्युबल होंगे। इनसॉल्युबल नहीं बोल सकते ना। अब देखो वाटर जैसा हमारा बॉडी है ना बेटा, हमारे बॉडी के अंदर हालांकि ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारा जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हमारे ऑक्सीजन सारे बॉडी में सप्लाई होता है ना, जो भी फिनोमिना होता है, हेमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन एंड सप्लाई व्हाटएवर, मैं इतना बायोकेमिस्ट्री में नहीं घुसूंगी तो, लेकिन जो ब्लड है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वाटर तो प्रेजेंट है ना, वाटर का कॉम्पोजिशन तो हमारी बॉडी में है ही, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनसॉल्युबल हो जाएंगे, कम सॉल्युबल होंगे है ना। अब इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी बट बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, बढ़ाई जा सकती है वो। अब जब से अब वो बात करो आप उनकी जो इक्वेटिक एनिमल्स है ना, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, सी वाटर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, लेकिन वो लेंगे तो सही से थोड़ी मैं बोल दूंगी ऑक्सीजन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, हालांकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वाटर में क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, पर फिलहाल के लिए मैं इनसॉल्युबल नहीं बोल सकती उसे। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे मैम दोनों नॉन पोलर है, वाटर जो पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्युबिलिटी आपकी जो है वो जीरो हो गई, सॉल्युबिलिटी जीरो नहीं होगी, इनसॉल्युबल नहीं होंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब कम में से भी किसकी ज़्यादा कम होगी वो मुझे देखना है। जो बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर वैंडरवाल फोर्सेस वर्क करते हैं, और बेटा वैंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर मास के, है ना, और वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिजोल्व करेगा, ज़्यादा बाइंड कर पाएगा सॉल्वेंट के साथ। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि फॉर नॉन पोलर गैसेस, खासकर जो नॉन पोलर गैसेस हैं, उन गैसेस में सॉल्युबिलिटी को आप वैंडरवाल फोर्सेस से रिलेट करिए तो डायरेक्टली कर दीजिए मोलर मास के, तो मैं बोल सकती हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से, बिकॉज मोलर मास ऑक्सीजन का ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, आप समझ पा रहे हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जिस पे आपकी गैस और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है बेटा, वो है नेचर क्या है लिक्विड का और नेचर क्या है गैस का। दोनों का नेचर अगर सिमिलर होगा, दोनों पोलर होंगे तो डिजोल्व कर पाएगा, नॉन पोलर होगा तो डिजोल्व नहीं कर पाएगा, बात समझ आ रही है। तो यहाँ मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया, अदर फैक्टर्स भी बहुत हैं जो हमारे इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो सेकेंड फैक्टर की तरफ मैं चल रही हूँ। तो फर्स्ट फैक्टर आप लोगों को समझ आ गया नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड। सेकेंड फैक्टर जो है बेटा वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी काफ़ी बड़ा रोल है गैस की सॉल्युबिलिटी पे वाटर में। तो लेट्स से मेरे पास एक गैस है जिसको मैं एक लिक्विड में डिजोल्व करना जा रही हूँ, ठीक है, एक सॉल्वेंट मैंने यहाँ ले लिया। ऑफकोर्स सॉल्वेंट आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, लेट्स से वाटर इज द सॉल्वेंट। जब ये इसमें डिजोल्व होगा तो ये ए जो है ये एक्वा स्टेट में आ जाएगा, है ना। एक्चुअली में ये जो रिएक्शन होता है बच्चे, जिसमें मैं एक गैस को डिजोल्व करके एक्वा स्टेट में लेके जा रही हूँ, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो मैं एक बात लिख सकती हूं यहां पे, क्या डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस के लिए बच्चे डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्योंकि इसमें डेल्टा एच लेस देन जीरो है और ये एक प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में मुझे पता है, क्लास 11th में पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर्स। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि ये रिएक्शन भी लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा। तो जब आप टेम्परेचर लो करोगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा मतलब मोर ऑफ द गैस कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, समझ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, ये चीज़ आपकी क्लास 11th इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। क्लास 11th में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो अगर मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर आप करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इस रिएक्शन को अगर मैं फॉरवर्ड में भेजूंगी, इसका मतलब मैं मोर ऑफ द गैस को क्या कर रही हूँ, डिसॉल्व कर रही हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड लिक्विड इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो आप इसको समझेंगे कैसे,
भैया एक बार सॉल्युबिलिटी, एस रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रही है वाटर में 300 केल्विन पर, और एक बार ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर रही है वाटर में 400 केल्विन पर, और ऑक्सीजन बहुत तेजी से डिसॉल्व नहीं करेगा क्योंकि एक नॉन पोलर है ना, बट फिर भी डिसॉल्व करेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑल्टर की जा सकती है लिक्विड में, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ऑल्टर की जा सकती है टेम्परेचर पे, तो कम टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व होगा हाई टेम्परेचर की बजाय, समझ रहे हैं? तो ये आप तब करेंगे जब आपका नेचर ऑफ गैस सेम है, आप नेचर ऑफ, सबसे ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी पोलर की ही होगी ऑफ कोर्स, अब नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी कम होती है तो मैं अदर फैक्टर्स लगा के उसकी सॉल्युबिलिटी को ऑल्टर कर सकती हूँ, जैसे मैं आपको बोल रही थी, तो लोअर टेम्परेचर करके मैं उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकती हूँ, समझ रहे बात को? तो ये दो मेजर चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है आज की सॉल्युबिलिटी दो पैरामीटर से डिपेंड करती है, एक नेचर पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है प्रेशर, बट वो टॉपिक बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बच्चे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ, आज के लेक्चर को हम यहाँ समाप्त करते हैं। जो प्रेशर वाला है वो डायरेक्टली रिलेट होगा हेनरीज लॉ से और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग इस वीडियो को जितनी बार देखना चाहते हैं आप देखिए, आपको कुछ ही समझ नहीं आई है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, माई व्हाट्सएप ग्रुप, माई ईमेल आईडी, माई ऐप लिंक इज, एवरी थिंग इज शेयर्ड विद यू पीपल, आपको जो भी डाउट पूछना है मुझसे शेयर कर सकते हैं, और इफ़ यू समबडी हु डोंट नो माई ऐप लिंक, या आपके पास मेरा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, यू कैन कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, आई विल बी टेकिंग अप योर डाउट्स, फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग द टॉपिक वी हैव डिस्कस टिल नाउ। द नेक्स्ट डिटेल टॉपिक वुड बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दैट आई विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास। All right, thank you.